तो यहाँ पे देखिएगा, मैं YouTube में लॉगिन कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा न्यू अकाउंट आपके सामने यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइकॉन लिखा हुआ के, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और योर चैनल YouTube स्टूडियो, ठीक है, यहाँ पे YouTube स्टूडियो में यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। वेलकम टू YouTube स्टूडियो यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, नज़र आ रहा है आपके सामने। देखिएगा मेरे अनदर पेज, यहाँ पे कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में यहाँ जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, योर चैनल लिखा ना, इसके नीचे में यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ देखिए सेटिंग लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जर्नल में यहाँ पर डिफॉल्ट यूनिट एक करेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, चैनल पे चले जाना, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे आप जाइएगा तो चैनल पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे देखिए कंट्री रेसिडेंसी होता है, जो आप कंट्री पे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ कीवर्ड में आपको सर्च में डाल, जैसे आपका चैनल का नाम है कार्तिक कुमार है, तो कार्तिक कुमार डाला कुछ कैपिटल में डालेगा, स्मॉल लेटर में डालेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख के भी आपको बता दूँ, जैसे कि स्मॉल लेटर में डालना है, जैसे कि KARTA कार्तिक एस KUNAR, ठीक है, इस तरह के इंटर मार देंगे। तो इस तरफ आप देखिए कैपिटल में डालना है, KARTA कार्तिक KUNAR, इस टाइप का मतलब कीवर्ड बड़ा छोटा कैपिटल आपको डाल देना है, क्योंकि आपका सर्च में आपका चैनल आएगा, ठीक है। और दूसरा सेटिंग बताना चाहता हूँ आपको, एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे बताया, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज ए मेड फॉर किड्स, क्या आप बच्चे के लिए रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं, तो नहीं, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना, नो सेट दिस चैनल एज ए नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड द कंटेंट दैट इज द मेड फॉर किड्स, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करना नो, ठीक है। और फिर नीचे चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप ऑटोमेटिक कैप्शन है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, क्लिप, ये सब आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। फिर आप जो फीचर्स एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड फीचर्स आता है, एक इंटरमीडिएट फीचर्स आता है, एक एडवांस फीचर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल आपका लिखा है, इनेबल करना पड़ता है, इलिजिबल को इनेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट, गेट स्टार्टेड स्टैंडर्ड फीचर्स यू नीड, ठीक है, चैनल फी फॉर एक्टिवेट, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रैक यहाँ रहता है, यहाँ को इनेबल ऑलरेडी आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में आप चले जाइए, इंटरमीडिएट फीचर्स यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ गेट इंटरमीडिएट फीचर्स इफ यू नीड, यू नीड, ठीक है। स्टैंडर्ड फीचर्स इनेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें वेरीफाई आपको फ़ोन नंबर करना है, बिल्कुल सिंपल से आपको यहाँ पे वेरीफाई नंबर फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो आप एक OTP कोड जाएगा, उस कोड से आप वेरीफाई आपको कर सकते हैं ईजिली करेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन से एडवांस फीचर में आप चलिएगा तो इसको भी इनेबल करना है, तो ठीक है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसमें क्या है कि लिखा हुआ है टू गेट द एडवांस फीचर्स यू नीड इंटरमीडिएट फीचर्स इनेबल एंड वन ऑफ द दिस, वीडियो वेरीफिकेशन होगा आपका, वीडियो वेरीफिकेशन, वैलिड ID आपको पूछेगा, चैनल हिस्ट्री, ये सब, ठीक है। इसमें क्या है कि आप क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम आप लोग डेली आप कर सकते हैं, अपलोड द मोर वीडियो डेली आप लोग अपडेट कर सकते हैं 15 मिनट से ज़्यादा, और क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और मीट द लाइव स्ट्रीम भी आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लाइक एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन भी आप लोग इस पर क्लिक करके लिख सकते हैं, वीडियो लिंक के द्वारा उसमें लिंक डाल सकते हैं, और कंटेंट ID भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अप्लाई टू मोनेटाइजेशन इजीली आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको बिल्कुल आपको वेरिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पे चले जाएगा अपलोड डिफॉल्ट में चले जाएगा, ठीक है। अपलोड डिफॉल्ट में जाने के बाद ये अपलोड डिफॉल्ट में क्या है कि टाइटल जो चीज़ आप देना चाहते हैं टाइटल आप डालते हैं, तो बार बार डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे कि यहाँ पे देता हूँ कोई चीज़, कोई भी चीज़ सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे YouTube चैनल, ठीक है, YouTube चैनल है टू गो, वेलकम, ठीक है, YouTube चैनल है टू गो वेलकम लिखा हुआ, ठीक है। ये चैनल आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे टाइम सेव करेंगे तो आपका जो डिफॉल्ट जो चीज़ लिखा चीज़ होगा वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ आएगा, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ, फिर आप सेटिंग यहाँ पे जाइए, ठीक है। सिंपली आप अपलोड डिफॉल्ट में आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना वही चीज़ वहाँ पे भी आएगा, ठीक है, जब वीडियो आप अपलोड करेंगे तब। यहाँ परमिशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये सब आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे आप चले जाइए, ठीक है, कम्युनिटी पे, एक मिनट पे, यहाँ पे जब ये चीज़ आप तो समझ लिए। फिर एडवांस सेटिंग इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नहीं बताया था आपको, एडवांस सेटिंग में आप देगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ एक लाइसेंस पूछता है, ठीक है, और ऑटोमेटिक जो चैप्टर्स होते हैं यहाँ पे
अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड अ की मूवमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होता है, एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है। तो आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे लाइसेंस पे आपको सेलेक्ट करके छोड़ देना है। और कैटेगरी, कैटेगरी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस कैटेगरी का आप लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ऑटो व्हीकल के लिए आप बनाते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा, कॉमेडी का तो कॉमेडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग एजुकेशनल रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्म एंड एनिमेशन का, गेमिंग का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू एंड स्टाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक के रिलेटेड आप जाना चाहते हैं वो, न्यूज़ एंड पॉलिटिकल के बारे में डाल सकते हैं, और नन प्रोफाइल को भी आप डाल सकते हैं, पीपुल्स एंड बिलोंग के बारे में डाल सकते हैं, पीट एंड एनिमल्स के बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप रिलेटेड डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड ट्रेवल इवेंट्स के बारे में, जो भी आप कैटेगरी आप चॉइस करते हैं, ओनली वन कैटेगरी आप चॉइस करिए उसी के रिलेटेड आप वीडियो डालिएगा, ठीक है। और यहाँ लैंग्वेज आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज जो आपके जिस वीडियो की लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल हो गया आपके, यहाँ देखिए जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा है हिंदी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी एक हाँ लैंग्वेज एक आएगा ऐसे, यहाँ एक हिंदी है, यहाँ मैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे अलाउ ऑल कमांड पे यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे होल्ड पे नहीं, अलाउ कमांड पे यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, फिर आप यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, यहाँ कस्टमाइजेशन यहाँ लोगो एक लिया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ, ये तो सेव हो गया आपका आधा प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये है लेआउट, ठीक है। वीडियो का स्पॉटलाइट होता है एट द वीडियो द टॉप ऑफ योर चैनल होम पेज का, आपका जब भी कोई भी व्यूअर्स आपके चैनल पे आएगा तो यहाँ पे वीडियो स्पोर्ट्स लाइन पे आपका चैनल टेलर यहाँ पे दिख जाएगा। चैनल टेलर देखने के लिए यहाँ को आपको वो है टू सब्सक्राइब जो नहीं किया होगा वो टेलर आपको जब भी आएगा उससे के थ्रू तो ये वीडियो आपका दिखेगा। तो जैसे चलिए यहाँ पे फिर एक फ्यूचर वीडियो रिटर्निंग, रिटर्निंग जो सब्सक्राइबर होंगे, जो हाईलाइटेड वीडियो जो सब्सक्राइबर जो वॉच करते हैं, ठीक है, उनके लिए शो लगिन के लिए ये आपका सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो गया, फिर आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग में आ जाते हैं तो पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स ऑफ विल बी अपेयर टू चैनल द पर्सन लिखा हुआ, यहाँ पे आप अपलोड द पिक्चर, कोई भी आप जैसे कि अपना पिक्चर्स यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पिक्चर आपका आ गया, यहाँ पे डन आप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डन करेंगे तो आपका पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, यहाँ पब्लिश ही आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बैनर है, ठीक है, बैनर इमेज के लिए आपका बोला हुआ है कि आपका ऑलरेडी बेस्ट रिजल्ट बोल रहा है, ऑल एडवांस यूज इमेज द 2048x11 to 52 pixels का आपको होना चाहिए, ठीक है, 6 MB का मैक्सिमम। यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अपलोड करके यहाँ पे एक बैनर जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक बैनर देख लेता हूँ जैसे कि ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो बैनर आ गया ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ना बैनर पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप करके मैं बता रहा हूँ आपको। कि वीडियो वाटरमार्क, जब भी कोई आप जैसे कि वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट में जो एंडिंग होता है ना आपका वाटरमार्क विल बी एट द वीडियो राइट हैंड कॉर्नर के साथ में आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, मान लेते हैं कि जैसे कोई मैं अपलोड वीडियो ही कर लेता हूँ यहाँ पे, चलिए ये चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको वाटरमार्क इन वीडियो में आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं पब्लिश ही कर दूंगा तो ये मेरा सब ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चले जाइए बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक में आपका नेम ऑलरेडी है, यहाँ पे हैंडल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो आप इसे लिखना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक न्यू लैंग्वेज यहाँ पे, ये देखिए आपका चैनल का URL है, लिंक है, यहाँ पे आप कॉपी करके आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉन्टैक्ट ईमेल आई डी अपना यहाँ पर सेलेक्ट करिए, सिंपली आपको देखिए कुछ नहीं करना था, मैंने बताया आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल आप नए यूट्यूबर हैं तो आप लोग बिल्कुल, मैंने बताया कि चलो क्रिएट कैसे आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है और कोई इसमें ज़्यादा है नहीं, एज बिल्कुल ईजी में बताया हूँ आप लोग को, ठीक है। और चैनल को आप लोग नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से दोस्तों।